कि मेरे घर में मेरे परिवार में शांति एकता बनी रहे, घर परिवार में एकता बनी रहे, तो हाथ जोड़िए एकता बनी रहे। देवीं ध्याये जगद्दात्रीं जपा कुसुम सन्निभां बाल भानु प्रतीकासां सत कुंभ समप्रभां रक्त वस्त्र परिदानां संपत्त्यावशंकरीं नमामि वरदां देवीं कामेशीं अभयप्रदां। देवीं ध्याये जगद्दात्रीं जपा कुसुम सन्निभां बाल भानु प्रतीकासां सत कुंभ समप्रभां रक्त वस्त्र परिदानां संपत् विद्यावशंकरीं नमामि वरदां देवीं कामेशीं अभयप्रदां। देवीं ध्याये जगद्दात्रीं जपा कुसुम सन्निभां बाल भानु प्रतीकासां सत कुंभ समप्रभां रक्त वस्त्र परिदानां संपत् विद्यावशंकरीं नमामि वरदां देवीं कामेशीं अभयंकरीं। इस श्लोक को सुनने से घर में अगर कोई अनबन हो, परेशानी हो, शांति नहीं हो, क्लेश हो, उस घर में शांति सुख आ जाता है। इसको आज के लाइव वीडियो से आप निकाल लेना बाद में, और इसको रोज 3 बार सुने। मैंने 3 बार इसलिए लगातार बोल दिया है, आप एक लोगे YouTube चालू करोगे तो लगातार 3 बार सुन के आप आनंद से उसको पूरा कर पाओगे। इसलिए 3 बार आपको इसको सुनना है, मैंने 3 बार बोला है। इसको कोई भी लगातार सुनता है, 48 दिन भी सुनता है लगातार, 3 बार सुनने में 1 मिनट लगेगा या 1.5 मिनट, 1 मिनट का काम। और वो 1 मिनट 48 दिन लगातार सुने, घर में शांति, एकता, सुरक्षा, जो भी अशांति है उसकी निवृत्ति होती है। ऐसा दिव्य श्लोक आज नए वर्ष में हमने सुना है, बड़े आनंद से इसका हमने लाभ लिया है।